पर हम उस पार्टी की तरह 24 घंटे चुनाव की बात नहीं करते। एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, इनके पिताजी शेर थे और ये शेर के बेटे हैं, तो पूरा महाराष्ट्र इनके साथ है। चारों तरफ गुंडागर्दी, चारों तरफ, ये इससे देश आगे नहीं बढ़ता। हम आपस में क्यों लड़ते हैं? इस देश में एक पार्टी है जो 24 घंटे चुनाव की सोचती है। हम 24 घंटे चुनाव की नहीं सोचते, हम देश की सोचते हैं। हमारे सामने देश है, हमारे सामने इस देश के बेरोजगार युवा हैं, हमारे सामने किसान हैं, हमारे सामने वो गृहिणी है जिसका पति हर महीने पैसे ला के देता है और उसका खर्चा नहीं चल रहा, 20 तारीख के बाद उसको पता नहीं अगले 10 दिन कैसे बीतेंगे। उन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। जब चुनाव आएंगे, चुनाव की भी चर्चा करेंगे, पार्टी हैं हम, चुनाव तो लड़ेंगे, उस टाइम चुनाव की भी चर्चा करेंगे, पर हम उस पार्टी की तरह 24 घंटे चुनाव की बात नहीं करते। इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा, अभी पिछले दिनों जो कुछ घटनाक्रम घटा, उद्धव जी की पार्टी की चोरी हो गई, उनका सिंबल चोरी हो गया, उनका नाम चोरी हो गया, उनका सारा जो था वो सब चोरी करके ले गए। पर मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, इनके पिताजी शेर थे और ये शेर के बेटे हैं, तो पूरा महाराष्ट्र इनके साथ है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से इनको न्याय भी मिलेगा। और मेरा अपना मानना है कि ये सारे आने वाले चुनाव जो हैं वो स्वीप करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो सर, आप क्या सोच रहे हैं कि आने वाले समय में अगर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं तो उद्धव जी के साथ आप अलायंस करेंगे, वो क्या सोच रहे हैं? जब चुनाव आएगा आपको सारी बातें बताएंगे। मैं क्या बताऊँ, ये तो आप उनसे पूछिए। गुंडागर्दी के सिवा उनको कुछ काम नहीं आता है। अगर वो इतना देश की जिम्मेदारी उन लोगों को दी हुई है, अगर वो देश के बारे में सोचें तो देश बहुत तरक्की कर सकता है। चारों तरफ गुंडागर्दी, चारों तरफ, ये इससे देश आगे नहीं बढ़ता। हम आपस में क्यों लड़ते हैं? हम आपस में इतनी गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं ये लोग? भाई, जब दिल्ली की जनता ने 134 सीट हमको दी, 104 सीट उनको दी, तो मेयर तो हमारा ही बनना चाहिए। 2.5 महीने से मेयर ही नहीं बनाया, डिप्टी मेयर तो हमारा बनना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी तो हमारी होनी चाहिए, बना ही नहीं रहे, रोज लड़ते हैं। बताओ, मेयर का चुनाव कराने के लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो ये तो दुख की बात है। अरविंद जी, एक सवाल ये था कि विपक्ष के नेता लगातार आरोप कर रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, दिल्ली का सिनेरियो, महाराष्ट्र का सिनेरियो, इस विषय पे आपकी उद्धव जी से कुछ गंभीरता से डिस्कशन हुआ है? देखिए, कायर लोग इस्तेमाल करते हैं, ईडी और सीबीआई और ये सारी एजेंसीज का इस्तेमाल कौन करता है? कायर लोग करते हैं, करने दीजिए उनको, उन्हें हमसे डर लगता है तभी तो करते हैं। आपके घर ईडी नहीं आई, आपके घर सीबीआई नहीं आई, इनके घर आती है, मेरे घर आती है, परसों ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता देख रही है। अंत पंत में सच्चाई की जीत होती है, झूठ झूठ होता है, सच्चाई की जीत होती है। भगवत मान जी, आपसे सवाल है, जिस प्रकार से पंजाब में हिंसा हुई है, नाला पुलिस स्टेशन को जो है वो अटैक कर लिया गया, उसके बाद वहां पर पुलिस वालों को भी पीटा गया, एक एफआईआर नहीं रजिस्टर हुई है, क्या कुछ कहेंगे उसको? देखिए, आप लोगों के पास यहां गलत सूचनाएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में कंट्रोल में है, पंजाब पुलिस सक्षम है, और पंजाब का जो सोशल बॉन्डिंग है उस पर गोलियाँ भी चली, 10 साल बम भी फूटे, लेकिन पंजाब का जो भाईचारा है आपस में, वो लोग मिलके रहना पसंद करते हैं, अमन शांति वाला हमारा स्टेट है, और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ अब वहाँ पे इन्वेस्ट करने लगी हैं, क्योंकि पहले किसी खास फैमिली के साथ एमओयू होता था, अब पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ जो है वो एमओयू हो रहा है। पंजाब को नंबर 1 स्टेट हम बनाने में अपनी तरफ से हमारी गारंटी थी, जब अरविंद जी और हम सारी टीम चुनाव प्रचार कर रहे थे तब हम गारंटियां दे रहे थे, बिजली मुफ्त की गारंटी, कच्चे मुलाजिम वो पक्के करने की गारंटी, रोज़गार की गारंटी। तो मैं तो मतलब यही कहूँगा कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए।